हेलो, केक काट लिया? कौन? जरतशा। जरतशा? अच्छा, अब तुमसे मेरी आवाज़ भी नहीं पहचानी जा रही। नहीं, वो बात नहीं है। एक्चुअली तुम्हारा ये नंबर मेरे पास सेव नहीं था। अब मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मुझे फ़ोन करोगे। मुझे पिज़्ज़ा खाना है। अच्छा, तो आ जाओ ना, केक और पिज़्ज़ा दोनों मंगा लेते। नहीं, केक मैं ले आऊँगी। ओके, अच्छा सुनो, उनको लाओगी? नहीं। क्यों, ले आओ ना। तो ठीक है, मैं उनको भेज देती हूँ, मुझे नहीं आना। नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था। जो तुम्हारी मर्जी करो, लेकिन प्लीज जल्दी आ जाओ। ओके, बाय। हाँ तैमूर मियाँ, बिजनेस के अलावा क्या क्या मसरूफियात? अंकल फिलहाल तो बिजनेस ही सब कुछ है। बेटी कहीं जा रही हो? जी वो सोबिया के पास जा रही हूँ। सोबिया की तरफ इस वक्त? उसकी बर्थडे है, इसलिए इत्तेफाक से आई हूँ, तो सोचा चली जाऊँ। इजाजत है? हाँ क्यों नहीं, बल्कि तैमूर को भी साथ लेकर। उसने सिर्फ मुझे इनवाइट किया है। कई साल से वो अपनी बर्थडे सिर्फ मेरे साथ शेयर करती है ना, इसलिए। इट्स ओके, मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है। बेटा ध्यान से जाना। हेलो, कहाँ हो यार? हाँ बस निकल रही हूँ। 2 घंटे से निकल रही हो तुम? अगर मैं ना हूं तो? सरतशा प्लीज उस दिन की तरह मत करना। किस दिन की तरह? जिस दिन मैं और सुहेल तुम्हारा इंतजार ही करते रहे थे। सोबिया, उस दिन क्या हुआ था, मुझे सब कुछ जानना है। तुम आओ तो। ओके, मैं आती हूँ। ये सोबिया कहाँ से आ गई इस वक्त? मुझे क्या पता, चाहे हमारे घर में अब कुछ भी हो जाए, अगर इस लड़की की शक्ल इस घर में नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आहिस्ता बोलिए और प्लीज आप परेशान मत हो। कैसे ना परेशान हूं, पिछली बार भी इसी सोबिया की वजह से सारे मामलात खराब हुए थे, और फिर इस दफा ये जरतशा फिर उसके पीछे चली गई। अब क्या किया जा सकता है? तो अच्छा हुआ के तैमूर जरतशा के साथ नहीं गया। वैसे आपने नोट किया शाह साहब, तैमूर काफी खुश नजर आ रहा है। हाँ बजाहिर तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, लेकिन लेकिन क्या? जरतशा का रवैया मुझे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। शाह साहब, आप खुद ही कहा करते हैं ना, जब कुछ भी समझ में ना आए तो मामला अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए, वो सब ठीक कर देगा, आप परेशान ना हो। तैमूर, जरतशा का दिल लग गया है वहां? लगी गया, मैंने पूछा भी था। फिर
बस हाँ हूँ करके टाल दी। अच्छा, मुझे उसके बारे में एक बात पता चली है। क्या? मुझे ये पता चला है कि वो यहाँ बहुत लाड और नखरों से रही है। उसे घर के कामकाज की ज्यादा आदत नहीं है। आपने मुझे डरा दिया, मैं समझा पता नहीं ऐसी क्या बात पता चल गई है। बस तुमने उसका खास ख्याल रखना है। ठीक है, और हुक्म? हाँ, और तुमने मेरी आपी का भी ख्याल रखना है। और आपका ख्याल कौन रख रहा है? मेरा ख्याल सब रखते हैं, सब बहुत अच्छे हैं। सब इसलिए अच्छे हैं क्योंकि आप अच्छी हैं। अच्छा, आप अपनी बेगम को फोन करो और पूछो कि वो कब तक आ रही है। आप कह रही हैं तो करो, वरना कोई मूड नहीं था मेरा। अच्छा, अगर मैं ना कहती तो ना करते? फिर भी करता। जी, अभी तो जा रही हूँ। पता नहीं क्यों आपको गाड़ी चाहिए? और कुछ पूछते हैं? ओके, बाय। Happy birthday. Thank you. Thank you so much. आओ। तुम बैठो, मैं केक लेकर आती हूँ। Okay. देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये आपको पार्सल आया है।